एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट घुमाने वाली हूँ ब्लॉग। ये एक्चुअली हमारे होम टाउन में है और हम काफ़ी दिनों के बाद आए हैं छठ पूजा के लिए, दिवाली के लिए आए थे। छठ पूजा एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है यूपी एंड बिहार की रीजन्स में, और आज हम जिस मॉन्यूमेंट पे आए हैं इट हैज़ बहुत इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। और आई थिंक सारे ही लोगों ने बहुत ही मतलब बुक्स में स्कूल्स में सब लोगों ने ही पढ़ा होगा। नाउ यू आर गोइंग टू सी दिस प्लेस थ्रू आर आईज, आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये है शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी, यस शेर शाह सूरी, टंग ट्विस्टर शेर शाह सूरी। कुछ फोटो शूट किए थे ये जो लेक है यहाँ पे, और यहाँ से उतर के आए थे। ये बस यहाँ पे भैया ने मास्क लगा रखा और किसी ने नहीं। ये एक बहुत ही जागरूक सिटीजन है और हम सब बिल्कुल भी नहीं है। मधु से हेलो, हाय। अब अभिषेक बताएंगे यहाँ का कोई इम्पोर्टेंट इंसान क्या क्या कारनामे किए बचपन में, और भैया बताएंगे। अच्छा आप बताइएगा। उसने बस क्रॉस कर रखा है और इसको वहाँ से लेके और अंदर से पूरा पार। हाँ, ये एक यहाँ पे ना नैरो पैसेज है जिसे इन लोगों ने क्रॉस कर रखा है यहाँ से वहाँ तक। और एक बार कौन डूब रहा था, ये डूब रहा था और इन सबको छुपाया था ये दोनों ने मिलके और बहुत सारे दोस्त। हाँ, और हम ना उसका दुपट्टा पकड़े हुए हैं। बेटा बेटा नीचे जाने के लिए, लेकिन बच्चे से हम जा रहे हैं तो वहाँ आप जाके बैठ सकते हो।
कभी? नहीं मैं नहीं गई हूँ बिकॉज मेरे और मेरे जन्म लेने के पहले ही रास्ता बंद हो चुका है। अच्छा जाने का। अच्छा ये रास्ता था जिससे ऊपर जाते थे, बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते थे ना। माही जब छोटा था तब भी मधु जाती थी साथ में घूमने। अब मायरू भी आ गई तब भी मधु आई है। दो मधु है हमारे साथ, वन मधु टू मधु। ये जो है ब्लॉक, ओके ये बना हुआ अंदर से रास्ता दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए दिल्ली तक का सुरंग नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन आगे कहीं जाके ये रोड पर ये खुलता था। नहीं जीटी रोड नहीं, शेरशाह के किला, शेरगढ़ किला पे भभुआ में। हाँ, ये खुलता है वहाँ से। अगर ऐसा कुछ हो जा सकते तो निकल तो इसको घोड़े वोड़े सब जा सकते, कहा जाता है ऐसा। इसका कोई सर्टिफाई नहीं है। ओके हम लोगों के टाइम से काफी पहले से ही बंद था, पहले इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ओके रोजा के चारों कोना पे एक एक दरवाजा है, जो सुनल बाबू अंदर में घुसे हुए थे तैरने के लिए, तुम भी आ रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ, ये एक बार जब अभिषेक छोटे थे तो स्विम करते हुए उसमें फंस गए थे। वहाँ नहीं फंसा था, फंसा था दूसरे जगह। हाँ। लेकिन जो दरवाजा ये पानी के चारों कोना पे अंदर में बहुत बड़ा बड़ा दरवाजा है, जो बोला जाता है कि शेरशाह का जो खजाना है उस पानी के रास्ते से अंदर को जाने का रास्ता था जिसमें छिपा के रखा है। अच्छा पाँच साल इंडिया पे वो किया था 1539 से 1545 तक। ओके ही वाज एम्परर ऑफ इंडिया, हुमायूं को हरा के। फिर उसके मरने के बाद फिर हुमायूं आया और फिर उसका मुगल जो है डायनेस्टी पूरा एस्टेब्लिश हुआ। ओके पहले उससे पहले बाबर आए, हुमायूं आए, हुमायूं को हरा के उसने 1539 में यहाँ से भगा दिया था काबुल। और okay. उसके बाद 1539 से 1545 तक इसने पूरा इंडिया का ही वाज किंग ऑफ इंडिया। उसने ही जीटी रोड स्टार्ट किया था ना, जीटी रोड उसने बनवाया दिल्ली से कलकत्ता तक। अगर जो भी आई थिंक जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड काफ़ी फेमस है ये, सबसे पहला रोड था और वो बड़ा डेवलपमेंट। एंड यू गाइस कैन डू दैट, आप गूगल करके देख सकते हो, काफ़ी फेमस जगह है। एंड वी आर रियली फीलिंग वेरी मतलब ऑनर्ड कि ये मॉन्यूमेंट हमें कवर करना था, इसलिए ताकि बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया में जो कि लोग नहीं जानते या फिर नहीं देखते हैं, और इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे टूरिज्म है या जो टूरिज्म इंडस्ट्री है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। हाँ दैट इज़ नॉट ग्रूमिंग अप, या राइट। अच्छा ये सारे जो बने हुए, हाँ ये जो शेप्स है, हाँ तो ऐसा कहते हैं कि ये हिंदू टेम्पल्स में होते हैं ऐसे। छोड़ के और क्या बता रहे थे आप? किसी टाइम पर ये सूर्य मंदिर हुआ करता था। लेकिन फिर इसे कहते हैं कि उसे कब्जे, हाँ कब्जे में करके इन लोगों ने जब मतलब व्हेन दे कॉन्कर्ड उस टाइम पे इन्होंने फिर इसे एज अ मकबरा कन्वर्ट कर दिया था। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने दूसरा भी ऐसा बनाने की कोशिश करा। हाँ। यही है बगल में ही है। अच्छा तो दैट इज नॉट सराउंडेड बाय वाटर, दैट इज बिटवीन लैंड, तो वो उतना सुंदर नहीं बन पाया। हाँ। अच्छा यार नीचे हम आए उतर के बच्चों को ऊपर छोड़ के, भैया भाभी एंड बुआ के साथ हैं वो अपनी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने के लिए। जो भी भैया बता रहे थे उन्होंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जाके कवर कर लो। सो इट इज़ ये है वो चीज़ जो हम आपको दिखाने वाले हैं। और अभिषेक विल्टन की क्या मुझे नहीं पता, बताओ आप। हुमायूं से लड़ाई जब हुई थी तो वहाँ से तोप छोड़ा गया था। अच्छा हुमायूं उस किले को गिराने के लिए हुमायूं से। हाँ हाँ उसके बाद वो तोप का गोला आके उसने बस यही डैमेज किया था। इसमें इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस टाइम पे जब अटैक किया था तो बस इतना ही डैमेज हो पाया, एंड देन दे रियलाइज कि कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो चलो बैक ऑफ। सुंदर है, बहुत सुंदर है।
सच में ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं इस जगह के बारे में, ना तो लोकल गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रमोट करती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना, छोटी छोटी जगहों पे इतने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आज है हमारी एनिवर्सरी, सो प्लीज़ गिव अस लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स और बस थोड़ा सा घूमेंगे, चिट चैट करेंगे और एक अच्छा सा फैमिली टाइम बिताएंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ये प्लेस मैंने जितने अच्छे से मैं दिखा सकती थी वो दिखाई है मैंने और अब बस हम वापस घर को जाएंगे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टाइम एंड इफ यू आर विजिटिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम कंसीडर सब्सक्राइबिंग, वो रेड बटन को हिट करें, बेल आइकन भी हिट करें ताकि फ्यूचर की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो प्लीज़ लेट्स गेट कनेक्टेड टू अस और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ और भी बातें हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वी रियली अप्रिशिएट दैट यू गिव योर प्रेशियस टाइम टू अस। थैंक यू सो मच। बाय।